गोंडा जिले के घारीघाट स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पहली बार 72वीं गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया गया। आपको बताते चलें, घारीघाट पुराने थाने के पास बाबा साहेब की प्रतिमा का स्थापना स्वर्गीय नायब तहसीलदार माता दीन द्वारा किया गया था, जैसा कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। आज उपस्थित सभी लोगों ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की इच्छा जताई। इस अवसर पर अरुण पटेल, सियाराम चौधरी, सुरेश पटेल, धनीराम पटेल, राम नरेश पटेल, अनिल चौधरी, के डी पटेल व क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शपथ लें कि जिस तरह से अंबेडकर जी ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण करके इस देश के संविधान को रचा, बनाया, हम लोगों को अधिकार दिया, हम भी अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में जो अमृत है उसको जरूर ग्रहण कराएं, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम ना तो संविधान के बारे में जान पाएंगे, ना अपने हक अधिकार को जान पाएंगे और ना ही उसको ले पाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, घर से निकालकर बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए, जिससे उन्हें अपने देश के बारे में, संविधान के बारे में और विश्व के बारे में जानकारी हो और अपने हक अधिकार के बारे में समझें और आगे की लड़ाई लड़ें। आज इस देश की जो सरकार है वो धर्म के आधार पर देश को चलाना चाहती है। साथियों, इस देश में दो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक जो धार्मिक व्यवस्था है वो संविधान को नीचे रख के उसके ऊपर शासन करना चाहती है। तो हमें सचेत होना होगा कि इस देश में धर्म का राज्य नहीं, संविधान का राज्य होना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के, हमें लगता है विश्व के जितने धर्म हैं उन सब के मानने वाले इस देश में हैं। इस देश की जितनी जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या की 1/6 भाग है और इसमें सभी धर्मों के मानने वाले हैं। तो हमें एक धर्म को लेकर के इस देश की सत्ता को नहीं चलानी चाहिए और ना ही एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मानव पहले है धर्म बाद में, यानी पहले मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका मानव धर्म होता है। तो मानव धर्म के अनुसार, संविधान के अनुसार देश चले, न कि किसी एक विशेष धर्म के अनुसार देश चले, जिससे तमाम धर्म के लोग, तमाम जात के लोग, जो इस देश की व्यवस्था है जो जातियों में बटी हुई है उससे ऊपर उठ करके हमें संविधान के अनुसार देश की सत्ता चलानी चाहिए, तभी इस देश का विकास होगा, किसानों का, नौजवानों का विकास होगा, सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पुनः आज सबका हम यहाँ अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। जय हिंद। हमारे हम साथी, हमारी माताएं बहनें, जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और 26 जनवरी के दिन ही मतलब सबको एक समान शिक्षा का, समानता का अधिकार मिला अभी, जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया। और बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इन्हीं सब बातों से एक बार हम नारा लगाते हुए अपनी बारी को खत्म करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा संविधान नहीं होता तो क्या होता, लेकिन बाबा साहब ने उस समय बहुत सही डिसीजन लिया और शिक्षा के मार्ग को चुना और अध्ययन करके उन्होंने बहुत पूरे दुनिया के अच्छी किताबों को उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके भारत को एक अच्छी रास्ते पे ले जाने के लिए, अच्छी दिशा निर्देश देने के लिए अच्छी किताब, जिसको हम अपने नज़र से अगर देखें, हमारी अपनी जो मान्यता है तो मैं उसको स्वर्ग से उतरी हुई किताब मान सकता हूँ। अंधविश्वास तो हम नहीं मानते, लेकिन हम उसको स्वर्ग से उतरी हुई किताब मान सकते हैं, जिसने सारे आदमियों को एक बना दिया, ना कोई जात ना कोई धर्म, सारे लोगों को एक जैसा अधिकार, एक जैसा हक सारे लोगों को प्रदान करने का काम बाबा साहब ने अपनी किताब के माध्यम से किया, जिसको भारतीय संविधान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के दौर में बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भी लोग ये बताते हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, जबकि बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ऊंची बात हो गई, लेकिन लोगों को जानना जरूरी है। एक समिति बनी थी संविधान को लिखने के लिए, उसके अध्यक्ष थे, लेकिन जान करके हैरानी होगी आप लोगों को, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें जो लोग थे वो कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, कोई मर गया,
बाबा साहब अकेले बचे थे जिन्होंने इसके एक एक आर्टिकल को अपने दिमाग से लिख लिख करके रात रात भर लिखते थे और उसका सदन में फिर बहस होता था उसको। अगर वहाँ से पास नहीं होता था तो बाबा साहब दोबारा लिखते थे उसको, फिर बहस होता था उस पर। अगर पास हो जाती थी तो किताब में आती थी, नहीं पास होती थी तो फिर बाबा साहब दोबारा लिखते थे उसको। इस तरह से 2 महीने 11 दिन और 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए किताब को पूरा तैयार होने में, और बहस होकर के पूरी किताब छन करके एक साथ समझ लीजिए कम से कम 10 बार फिल्टर होकर के वो किताब आई सदन के माध्यम से। बाबा साहब ने उसको लिखा, बाबा साहब सदन में उस पर चर्चा हुई। वास्तव में वो एक एक आर्टिकल एक एक अक्षर इम्तहान से पास होकर के, 3-3 इम्तहानों से पास होकर के, एक बार पहले समाज में, फिर निचले सदन में, ऊपरे सदन में, सभी जगह से पास होकर के फिर ये किताब बन करके आई। और उससे पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और 72वां गणतंत्र दिवस है। याद करेंगे हम माता दीन जी को जो नायब तहसीलदार लखनऊ में थे, मलिहाबाद में पोस्टिंग थी उनकी, और उन्होंने ये मौका दिया घारी घाट में कि हम लोग उनके प्रतिबिंब, अम्बेडकर जी के प्रतिबिंब के समक्ष एकत्रित हो करके दो टूक हम लोग बात कर सकते हैं। उनको भी नमन है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रथम बार ये ध्वजारोहण जो आज हो रहा है उसके लिए, द्वितीय बार उसके लिए राम सुरेश जी बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए। लाइब्रेरी की बात और इसकी बात तो आप लोगों ने कर ली, शेष बातें हमें करनी है, उस पर थोड़ी देर बाद में प्रकाश डालेंगे। चूँकि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बहुत सारे आंदोलन हुए, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बंटवारा 14 अगस्त 1947 को हुआ और आज़ादी का स्वाद चखा हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को। देश में जो भी व्यवस्थाएं थीं उन व्यवस्थाओं के जो हमारे अग्रज लोग थे, अग्रणी नेता थे, पहली लाइन के नेता थे, उन लोगों ने 2.5 से 3 वर्षों तक कैसे सरकार चलाई, कैसी व्यवस्थाएं थीं, उसी में भारत रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी काफ़ी पढ़े लिखे, कम से कम 16 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, इतने विद्वान थे, 300 देशों के कानूनों को पढ़ करके और असेंबल करना, और कौन सी व्यवस्था हमारे शूद्र में, कौन सी व्यवस्था हमारे अपर कास्ट में, कौन सी व्यवस्था हमारे खेतिहरों में, कौन सी व्यवस्था व्यापारियों में, कौन सी व्यवस्था लड़ाकों में, कौन सी व्यवस्था सेनानियों में होगी, उनको एक पाइपलाइन में पिरोने का जो कार्य किया है वो सराहनीय है। पहले जब शिक्षा ग्रहण करते थे अम्बेडकर जी तो उनको बड़ा कहते हुए आज की दिन में लज्जा आती है कि उनको पानी पिलाने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब बाबा साहब की देन है कि अब ये प्रथा नहीं है। कहीं कहीं पर हो सकती है जो दूषित मानसिकता के लोग होंगे वहाँ पर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज के परिदृश्य में एक बिल आया हुआ है जिसको किसानों के लिए वो काला कानून है। हमारे कृषक भाई लाखों नहीं करोड़ों की तादाद आज ट्रैक्टर ट्राली का मार दिल्ली के सरजमी पर कर रहे हैं। उनको इस घारी घाट की समस्त जनता और जनार्दन की तरफ से उनको मुकदम और इस्तकबाल करते हैं। दूसरी बात, हम लोग नहीं जा पाए हैं, नहीं भाग ले पाए हैं, लेकिन दिल हमारा वही है। हम लोग ग्रामीण अंचल के लोग हैं और खेती किसानी हमारा पेशा है। खेती किसानी की उपज का जब हमें उचित मूल्य नहीं मिलेगा, ना हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना अपना रोजी रोजगार कर पाएंगे, और ना उचित ढंग से कपड़े आदि पहन पाएंगे, ना उचित शादी विवाह कर पाएंगे। तो मोटा मोटा हिसाब आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इस झंडे का हमेशा सम्मान किया गया है और किया जाएगा, और इस झंडे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो कानून लिखा गया है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हर चीज़ का कानून है, हर चीज़ का कायदा। अब बहुत बातें नहीं खींच कर, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी साथियों ने बहुत सारी बातें बताई है। जहाँ तक इसकी, चूँकि चुनाव का समय है, पंचवर्षीय लगभग समाप्त हो चुका है, बहुत सारे पावर छीन लिए गए हैं, तो बहुत सारा वादा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी आप लोगों ने बोला है उसकी न्यू
मैं भरूंगा। लाइब्रेरी भी होगी, किताबें भी होंगे, स्ट्रेचर भी होगा, अखबार भी आएंगे और आधार कार्ड दिखा करके लोग किताबों को पढ़ेंगे भी। लेकिन इसकी बाउंड्री और मिट्टी फिलिंग और एक कम से कम एक कमरा सेफ्टी चाहिए और एक कमरा बैठने के लिए चाहिए, चाहे वो टीन सेट का ही क्यों ना हो। बाबा साहब में बहुत ताकत है, बाबा साहब के लिए अगर जो शरीर का एक एक कतरा भी निछावर करना पड़े तो वो मिशन पूरा। और उम्मीद करता हूँ क्योंकि आने वाले समय पर जो भी परिदृश्य हो, योग्य अपना योग्य जनप्रतिनिधि चुनना, कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है, योग्य प्रतिनिधि चुनना जो इस मिशन को पूरा कर सके।